सो है गाइस, क्या चाल है भाइयों, आज हम फिर से एक बार प्ले करने जा रहे हैं RDR 2। गाइस ये वीडियो बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम लोग एक ट्रेन रोब करने वाले हैं, जिससे कि गाइस हमारी सारी की सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और हम लोग ये जगह छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, हमारा रहना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ से जैसे तैसे करके छोड़ के जाना पड़ेगा। इसके लिए हमें काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है और वो गाइस ये ट्रेन रोब करने के बाद में हमारे पास में आ जाएंगे। फिलहाल गाइस हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में निकल चुके हैं और गाइस हमारा डच ने सारी की सारी प्लानिंग कर ली है। लास्ट वाले वीडियो में आपने देखा था हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ से हमारे पाथ में एक मैप लगता है और गाइस कुछ हम लोग डायनामाइट और आर्डियर जैसे सामान लेके आ जाते हैं, जिससे कि हम लोग ट्रेन को रोक सकते हैं, जो कि यार हमको काफ़ी शानदार मज़ा आने वाला है। तो फटाफट से हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ में चल रहे हैं। वैसे फिलहाल मैं सिर्फ दो बंदों के ही नाम जानता हूँ अपनी टीम में से, एक तो अपना डच जो कि यार हमारा हेड है और दूसरा माइका, जिसने भी हमारी काफ़ी सारी हेल्प की थी लास्ट वाले वीडियो में, आपने देखा होगा तो आपको जरूर याद होगा। तो फिलहाल हम लोग फटाफट उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और गाइस आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और गाइस आपको ना इस वीडियो में काफ़ी शानदार मजा आने वाला है, तो वीडियो का लास्ट तक बने रहो और गाइस फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाके बताओ आपको इसकी सीरीज के और वीडियो चाहिए या फिर नहीं। वैसे गाइस यहाँ का मौसम देख रहे हो आप, बहुत ज़्यादा खतरनाक गंदी तरीके से यहाँ पे बहुत शानदार बर्फ़ पड़ रही है। हम लोग इस जगह को छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि यार हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, हमारी पूरी गैंग इस जगह के पे रह रह के परेशान हो चुकी है। और गाइस फिलहाल यहाँ पे कुछ हो रहा है, एक बार मैं इनकी बातें सुन लेता हूँ, मैंने स्किप कर दिया आखिर ये क्या प्लानिंग कर रहे थे, मेरे को कुछ आइडिया नहीं है, एक बार मैं थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। ओके गाइस इसमें से दो तीन बंदे हो रहे हैं जिनका नाम ऐसा हो सकता है, एक का हो सकता है चार्ल्स स्मिथ और दूसरे का जेवियर एस्क्यूला। जेवियर के साथ में थे हम लोग गए थे, उसको हम लोग बचा के अपने जॉन को बचाने के लिए गए थे, तब जेवियर को साथ में लेके गए थे, आपने याद होगा अगर लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा तो। वेट वेट गाइस, मेरे को सामने शायद से रेलवे ट्रैक दिखाई दिए, हमें वहीं पे जाना। ओके गाइस हम लोग उस लोकेशन पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे ट्रेन आने वाली है, जो कि यार काफ़ी शानदार होने वाला है। देखते हैं गाइस हम यहाँ से कितना सारा सामान लूट पाते हैं और गाइस ये लूटने के बाद ही हम लोग अपनी गैंग को लेके किसी और दूसरे एरिया में जा पाएंगे आएंगे। और अभी हमारे कम को, अब गाइस हम लोग एक बार देख लेते हैं इनकी आखिर क्या प्लानिंग है। ये बोल रहा है वाटर टावर है सामने की साइड में, मेरे को वाटर टावर दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये एक ब्रिज है, ब्रिज के आसपास शायद से डायनामाइट लगाने की प्लानिंग हो सकती है। मेरे को एक सामने बंदा दिखाई देता है, वो आखिर अपना ही बंदा है क्या, यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। एक बार इसकी डच की बातचीत सुन लेता हूँ आखिर ये मुझे क्या कह रहे। ओके गाइस वो अपना ही बंदा है और उसका नाम है बिल। हम लोगों को फटाफट उसके पास में जाना है, उसकी और हेल्प करनी है। डच मेरे को बोल रहा है उसके पास में जाके वहाँ पे चेक करके आओ उसने अपना काम परफेक्टली किया कि नहीं। हम लोग फटाफट से वहाँ पे चलते हैं और एक बार देख लेते हैं गाइस उसने अपना काम किया कि नहीं। वैसे गाइस वो बंदा बहुत शानदार है, डायनामिट इन चीज़ों का उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो उसने काम परफेक्टली कर लिया होगा। फिलहाल ये बंदा ये रहा और यहाँ पर मेरे को डायनामिट भी लगाया हुआ दिखाई दे रहा है। और गाइस ये क्या कर रहा है, एकदम अच्छी तरीके से ये काम करता है। फिलहाल मैं फटाफट एक बार इसके पास में चल के देख लेता हूँ। ओके गाइस ये प्लेस कर चुका है, ये मेरे को क्या बोल रहा है, कुछ काम करने का बोल रहा है। ओके गाइस मेरे को इस वायर को लेके जाना है और साइड के अंदर डिटोनेटर रखा हुआ है, उससे जाके इस वायर को कनेक्ट कर देना है, ताकि ये बंदा साइड के अंदर जाके जैसे यहाँ पे ट्रेन आना है तो डिटोनेटर से ट्रेन को उड़ा दे। तो ठीक है फटाफट से गाइस हम लोग चलते हैं और गाइस इस वायर को इस डिटोनेटर से साथ में कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि गाइस जैसे वो बंदा यहाँ पे पास में आएगा ना और फटाफट से इसको अपने डायनामाइट को ब्लास्ट कर देगा। मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, फटाफट से एक हंजर निकालता हूँ और गाइस इसको फटाफट से यहाँ से कनेक्ट कर देते। ओके तो फिलहाल मैंने कनेक्ट कर दिया है, आई होप यार एकदम परफेक्ट हुआ हो, ये गड़बड़ हो गई तो भाई सारा ब्लेम हम पे डाल देंगे सारे बंदे कि भाई तेरी वजह से हुआ। हमारा घोड़ा नहीं यार, ये तो नहीं है अपना, मैंने किधर कर दिया, ये रहा मैं भूल गया यार, मैंने पास में ही खड़ा किया था, मैंने सोचा उधर किधर चला गया। वैसे हम लोग विसल बजा के इसको बुला सकते हैं अपने पास में, अपन कहीं भी हो ये बंदा हमारे पास में आ जाता है, सॉरी घोड़ा अपने पास में आ जाता है, मैं बंदा बोल रहा हूँ। अब हम लोग फटाफट ना अपने टीम के पास में चल जाते हैं और यहाँ पे ट्रेन आने का वेट करते हैं, देखते हैं गाइस कितनी देर में ट्रेन आती है। आई होप यार फटाफट से 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पे ट्रेन आ जाएगी, इससे ज़्यादा उसे आने में टाइम नहीं लगेगा। ओके यहाँ पे अपनी पूरी टीम रेडी है, हमारा वेट कर रही थी।
वेट गाइस, दस शायद से हमको बोल रहा है अपने फेस को कवर कर लो फटाफट, एक बार हम लोग अपने फेस पे मास्क लगा लेते हैं। ये शायद से अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि किसी बंदे की हमारा फेस नहीं देखे जिससे हमारी प्रॉब्लम हो सकती है। किसी ने अगर हमारे फेस को देख लिया तो कहीं पे बंदा हो सकता है, पुलिस के बंदे हमको फॉलो करने लग सकते हैं। इसलिए गाइस हमको अपना फेस कवर करना जरूरी है सेफ्टी के लिए। ओके, तो गाइस फुल स्पीड से ट्रेन आ रही है भाई, ये बहुत शानदार और तेज चल रही है। गुड लक ऑल ऑफ यू। ओके डच, सबको गुड लक बोल रहा है। और गाइस ये अपना बंदा फटाफट से डेटोनेटर दबा दे भाई, ट्रेन आ गई, कब दबाएगा? अबे इसके निकलने के बाद में दबाएगा क्या? ओके लेट्स गो, फटाफट से दबा भाई, दबा दे। अभी ये क्या हुआ? एक और कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई गाइस, ये डेटोनेटर काम नहीं कर रहा। ये सारा का सारा ब्लेम हम पे डालेंगे, डाल दिया गाइस, डाल दे सारा का सारा ये हमारा ऊपर डाल रहे हैं भाई, हमारा फॉल्ट है। लेकिन मेरे को पता है यार, मैंने वायर पूरी तरीके से सही लगाई थी। चलो कोई नहीं यार, अभी हमें ना इन बंदों को फॉलो करते करते फटाफट से ट्रेन पे जंप करना है, और हमको ट्रेन के इंजन पे जाके फटाफट से वहाँ पे ट्रेन को रोक लेना है, जिससे कि गाइस हम लोग रॉबरी कर सके। हमारा एक बंदा शायद से नीचे ही गिर गया। ओके गाइस, ये बंदा नीचे रह गया, लेकिन अबे एक बंदा और यहाँ पे झूल रहा है ट्रेन में। कैसे झूल रहा है भाई, मज़े ले रहा है। तो फटाफट से तू बाहर आ जा, इसको मुझे ऊपर ग्रैब करना पड़ेगा। फटाफट से मैं इसको ऊपर खींच लेता हूँ। आ जा भाई, ओ ओ ये बंदा मर नहीं चाहिए, फटाफट से मुझे इसको ऊपर खींच लेना चाहिए, वरना यार कोई अगर पिलर आ गया ना उससे टकरा के ये नीचे गिर जाएगा, और हो सकता है गाइस ये पूरा अपनी जान गवा दे। अब हम लोग फटाफट नीचे चलते हैं, और यहाँ पे बंदे हो सकते हैं। मैं कूद के वहाँ पे जाता हूँ, एक बंदा दिख रहा है। मैं फटाफट अपनी गन लेके तैयारी, भैंस की आँख निकल निकलती निकल बच गया। अब भैंस की आँख कितना शानदार गन फायरिंग कर रहा है ना, लेकिन हमसे बच नहीं पाएगा। फटाफट से मैंने इसको सल्टा दिया, दो बंदे उधर की साइड में खड़े हुए, तू भी निकल। ये एक चल गया भाई। अब हम लोग पिस्टल ले लेते हैं, पिस्टल थोड़ी अच्छी बेस्ट है, इसको भी मैंने फटाफट से सल्टा दिया। अब मैं धीरे धीरे अंदर जाने का ट्राई करता हूँ। ये बंदा अभी तो अपनी मार, चल निकल तो फटाफट से भाई। ये कितने ढीठ आदमी है ना, इसके मत्थे पे पड़ेगी, एक बंदे के मत्थे पे ठोकते हैं। आ जा भाई, तेरे मत्थे पे, मत्थे पे लग नहीं रही है यार, इसके गर्दन पे लगी। कोई नहीं, हम लोग है ना इसके सीधा ही हेडशॉट देना पड़ेगा यार। इसके कंधे पे लगी, हेडशॉट नहीं लग रहा है। मेरे को लगता है थोड़ा एम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि यार हमारा परफेक्ट हो जाए टारगेट शूटिंग रेंज। ओके अब हम लोग फटाफट ऊपर चलते हैं, हमको इंजन पे जाके इस ट्रेन को रोकना है, जिससे कि हमारी टीम यहाँ पे आ जाए और हम लोग जैसे तैसे करके इसकी ट्रेन को लूट पाए। यहाँ पे यार बहुत सारे बैरल भी रखे हुए हैं, शायद से आपको पता ही है इनके अंदर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे सारे के सारे बंदे नहीं है, पूरी ट्रेन क्लियर है। अब हम लोग फटाफट ऊपर चल जाते हैं और इंजन की तरफ चलते हैं। वैसे यार इंजन पे जो, अबे ये बंदा कहाँ से आ गया, अचानक से आके मेरे ऊपर अटैक कर दिया। देखो इसकी पैंट, इसके मत्थे पे बजानी पड़ेगी, दो तीन दूसरे लातें मारनी पड़ेगी। फिलहाल इसने जैसे हमको मारा ना, हमारी गन ना पड़ गई। अबे छोड़ ना भाई, ये निकला, अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं। इसके मुंह पे इसका मुंह सुझाना पड़ेगा। चल तेरी ऐसी तेरी, इसके मुंह पे दो तीन दूसरे लगा के इसका पूरा मुंह सुझा दूंगा। चलो इसको फटाफट से नीचे फेंक देते हैं। ओके तो बंदा नीचे चला चुका है। अब हम लोग फटाफट से अंदर चलते हैं और गाइस फटाफट से ट्रेन रोक देते हैं। ओके ये ट्रेन का ब्रेक रुक चुका है, और गाइस पूरे चक्के जाम हो चुके हैं ट्रेन के, ये हमारी ट्रेन बिल्कुल रुक चुकी है। अब हम लोग फटाफट से बाहर आते हैं। अब हमारी फाइट शायद से बंदों के साथ में होने वाली, वो ऊपर खड़ा हुआ है। चल तेरी की तेरी, निकल तू भी निकल, आ जा, और कौन आ रहा है? ये बंदा और आ रहा है, फटाफट से तू भी निकल। इस बंदे को भी हमने सल्टा दिया है, और यहाँ पे कितने सारे बंदे आ रहे हैं ना यार, ये सब हम पे अटैक कर दे। चल फटाफट से तू निकल, ये भी बंदा गया। ओके भाई मॉम, बहुत शानदार मजा आने वाला है, बहुत गंदी तरीके से हमारे पास में ये फाइट ले रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार, हम लोग आगे जाके इन बंदों को सल्टाने का ट्राई करें। ये बंदा हमारी टीम में से नहीं आज, हमारे पास में सिर्फ अभी एक ही बंदा है। एक तो गाइस नीचे की साइड में गिर गया था, सारा का सारा मेरे को ही संभालना है, क्योंकि अभी तक हमारी टीम यहाँ पे नहीं पहुँची। वो यार घोड़ों पे आ रही है ना, और गाइस हम लोग ट्रेन पे आए थे, तो ट्रेन थोड़ी घोड़े से फास्ट चलती है। ऐसे यार जैसे हम लोग कूदे थे ना, तो इस ट्रेन की स्पीड थोड़ी धीमी हो गई, जिस स्पीड से आ रही थी ना वे भी उतनी स्पीड नहीं रही। लेकिन कोई नहीं गाइस, हम लोग धीरे धीरे आगे चलते हैं। ये अपनी टीम का बंदा, और मेरे को बहुत सारे बंदे दिखाई दे रहे हैं। ओके वो खड़ा है, इसके तो हेडशॉट बजाना पड़ेगा भाई, इसको बहुत बड़ी चुल मची हुई है तेरी भैंस की। चल निकल निकल निकल, जीत गया। ओके ये भी चला गया, अब धीरे धीरे आगे जाते हैं। ओके गाइस हमारी टीम के बंदे आ चुके हैं अपने फुल स्पीड के साथ में। अब गाइस हमें ज़्यादा फाइट लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे हिसाब से सारे के सारे बंदे ख़त्म हो चुके हैं। और गाइस कुछ बंदे जो थे ना, वो शायद से ट्रेन के अंदर जाके छुप चुके हैं। एक बार मैं फिलहाल यहाँ पे आ जाता हूँ, और डच की क्या प्लानिंग है इससे फटाफट से डिस्कस कर लेता हूँ, और गाइस इसके बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। ओके ओके मैं एक बार चेक कर रहा था इस बंदे के पास में कुछ मिल जाए,
लेकिन डच ने बोला फटाफट से आओ, हमें ट्रेन के अंदर चेक करना है, हमें यहाँ पे मनी ढूंढनी है फटाफट से, पैसों को जितने भी यहाँ से इस ट्रेन से पैसे मिल चुके, जो भी काम की चीज उसको उठा के यहाँ से निकल लेना है फटाफट से, इससे पहले कि यहाँ पे और ज्यादा प्रॉब्लम हो, यहाँ पे पुलिस के बंदे आए फटाफट से। अंदर जो बंदे है ना, अपना डुजुन को बोल रहा है तुमको हम लोग मौका दे रहे हैं, तुम्हारे साथ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल तुम फटाफट से गेट खोल के बाहर आ जाओ। लेकिन वो बंदे बिल्कुल मान नहीं रहे कि हमको कुछ बोल रहा है। ओके गाइस, हमें ना अपनी गन फायरिंग करनी है जाकर, ताकि बंदे डर जाएं और बाहर की साइड में आ जाएं। मैं इसके लैंप को उड़ा दूंगा। अबे बाहर आओ ना, इतनी ज़्यादा हम लोग इनको डरा रहे हैं ना, फिर भी बाहर नहीं आ रहे। इसको तो यार शॉटगन से मारता हूँ ताकि यार इसकी आवाज़ से ही बंदे डर जाएं और बाहर की साइड में आ जाएं। लेकिन नहीं यार, ये आ ही नहीं रहे बिल्कुल। अब क्या करें, इस डच से पूछते हैं, इसके पास में हर बार कुछ ना कुछ प्लानिंग होती है। ओके गाइस, हम लोगों को है ना इसका गेट उड़ा देना है। एक बंदा ये लगा रहा है और दूसरा हम लोग लगाएंगे। फिलहाल गाइस इसने सिर्फ ये ही दिया, इसके आग कैसे लगाएंगे हम लोग। अब ये क्या कर रहा है, अबे पैर से कौन सिलगा था भाई, लगता है उस जमाने में हो सकता है ऐसा, लेकिन मेरे को कुछ आइडिया नहीं यार, ये कुछ अलग ही चीज़ हुआ, पैर से उसने आग लगाई। चलो कि ठीक है गाइस, हम लोग यहाँ पे फिलहाल वेट करते हैं। ओके गेट ओपन हो चुका है और एक ही बारी में। अब मैं थोड़ा गन, चलो फटाफट से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, तू भी आ जा, उतर जल्दी से, उतर, ट्रेन खाली कर इस। अबे उतरो ना, इतने नाटक क्यों आ रहे हैं इनको, जल्दी से फटाफट से। अबे इतना स्लो उतर रहा है, चल निकल साइड के अंदर हो जाओ तुम सब। ओके ये साइड के अंदर आ चुके हैं, अब हम लोग को ट्रेन के अंदर चढ़ना है, इस डब्बे के अंदर अंदर जाके चेक करना है फटाफट। मैं ऊपर चढ़ जाता हूँ। गो टू द प्राइवेट कार, है प्राइवेट कार। ओके गाइस, यार ये ट्रेन का डब्बा कितना शानदार है, एकदम रॉयल फील आ रही है यार अंदर से। हाँ यार बहुत गंदी तरीके से, एकदम अलग एहसास हो रहा है। ये यहाँ पे टेबल पे क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ बुक्स पड़ी हुई है, लेकिन पैसे कहाँ है यार, यहाँ पे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या है, इसको एक बार इंस्पेक्ट कर सकते हैं हम लोग फटाफट, एक बार देखते हैं, ये क्या पता कोई काम की चीज ही मिल जाए। मैं एक बार इसको देखता हूँ आखिर ये क्या है। ये कोई लेटर लग रहा है। ये यार ये छोड़ो यार, ये हमारे काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इस फिलहाल इसको रख लेते हैं, क्या पता बाद में काम आ जाए। अब हम लोग है ना जाके इन कैबिनेट के अंदर कुछ सर्च करने का ट्राई करते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ हमको यहाँ पे मिल जाए फटाफट से। मैं क्या, ये वाला कैबिनेट पहले ओपन कर लेता हूँ। ओके वेट 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 वेट, अंदर मुझे ये बॉक्स मिला। आई होप यार इसके अंदर पैसे मिल जाए। ये क्या है, ये पैसे जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओके गाइस ये बॉन्ड है, शायद से हम लोग इनको पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। ये वाला कैबिनेट में भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये क्या उठा लिया मैंने, सिकार। अरे यार इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, मैं तो कैबिनेट ओपन कर रहा था। इस बदले से पता नहीं क्या उठा रहा, ई की जगह मैंने गलती से आर प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से इसने सिगार उठा लिया। अब मेरे को फटाफट से ट्रेन से बाहर जाना है। अब हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, अपनी पहले गन। ओके मेरे हिसाब से जो बंदे हमारे साथ में चढ़े थे ना, उनको कुछ नहीं मिला, और गाइस ये सिर्फ इस पूरी ट्रेन के अंदर बॉन्ड ही थे। ये शायद से बोल बैरियर बॉन्ड से डच के हिसाब से। ओके वैसे हमारा मार्क्स उतर चुका है, लेकिन हमें कोई डर नहीं है। ये दो तीन बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं, अच्छी बात है, इनको अपना फेस दिखाई नहीं दिया क्योंकि हम लोग इनको जिंदा छोड़ने वाले हैं। अब गाइस डच ने इन बंदों को हमारे ऊपर छोड़ दिया, चाहे तो इनको मार सकते हैं और चाहे तो इनको जाने दे सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ यार इनको नहीं मारे, इनको जाने देते हैं, ये तो क्या ही प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे हमारे लिए, तो फिलहाल फटाफट जाने देते हैं। और गाइस इन बंदों को हम लोग ट्रेन के अंदर बिठा के ट्रेन को यहाँ से रवाना कर देते हैं, उसके बाद में फिलहाल हम लोग फटाफट अपने बेस में जाएंगे। और गाइस नेक्स्ट डे हम लोग इस जगह को छोड़ने वाले हैं, ये गन जगह बिल्कुल ही बेकार है, और एक छोटे से विलेज के अंदर जाके रहने वाले, जहाँ पे यार हमारी गैंग बहुत शानदार मजे करने वाली है। तो फिलहाल मैं अबे अंदर चढ़ जा, अबे चढ़ना, अबे बहुत ज़्यादा ड्रामा आ रहा है, इसको बहुत ज़्यादा ड्रामा कर रहा है, चढ़ रहा है, इसको इसको सलटाना पड़ेगा, चल निकल चढ़ ऊपर। अबे भाग रहा है, अबे भाई इसको जाने नहीं देना है मुझे, इसको अब किल करना पड़ेगा। मैं तेरे को जाने दे रहा था, लेकिन गाइस अब उस बंदे ने हमको देख लिया है, अब उसको हमें मारना ही पड़ेगा। तो फिलहाल फटाफट ना उसको सल्टा देता हूँ, अभी भी बच गया गाइस। ये बंदा, इसकी क्या बुलेट लग नहीं रही है क्या, शॉटगन से मारो। वैसे यार शॉटगन की रेंज है ना क्लोज रेंज में बेस्ट रहती है, इसलिए शायद से उसके गन बुलेट सही से नहीं लग रही होगी। ओके गाइस मैंने उस बंदे को मार दिया, मेरे को इंजन के अंदर जाना है,
और इस ट्रेन को शायद से स्टार्ट करके यहाँ से रवाना कर लेना, लेकिन यार वापस इस ट्रेन को रोकेगा कौन? फिर ट्रेन को रोकने वाला नहीं है, वो जो पीछे दो बंदों को हमने चढ़ाया है ना उनकी वाट लगने वाली है। कोई नहीं, हमने विसल मारी और हमारा घोड़ा भी यहाँ पे आ चुका है। फिलहाल हम लोग फटाफट इस घोड़े के अंदर बैठ के यहाँ से निकल जाते हैं और पहुँचते हैं हमारे बेस पे। तो गाइस अब आपसे मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से करो, वीडियो को लाइक करो। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। तो गाइस बाय बाय।